हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो का अंदर ये दो मीटर लेके जो सीआरटी पीसीबी है ये टेस्ट करके दिखाऊंगा। दोनों मीटर का अंदर बहुत फर्क है, क्या क्या फर्क है ये आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा, बट ओनली ये जो चॉपर है चॉपर चेक करके आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा, क्योंकि चॉपर का ऊपर बहुत न्यू टेक्नीशियन का डाउट है कि ये चॉपर एक्चुअली खराब है कि नहीं है, चॉपर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ओके है कि ये गुड और बैड है। तो उसका ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो बनाया और वो वीडियो आप देखना चाहता हो तो आप कमेंट करके बताएगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। बट जो नॉर्मल एक सिम्टम है ये जो चॉपर का है, तो दोस्तों ये चाइना पीसीबी है, तो इसका ये प्राइमरी साइड है, तो ये प्राइमरी साइड का जिसका जितना कनेक्शन है ये जो बॉर्डर है ये हॉट सेक्शन का अंदर रहता है, और ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर का बाहर जो कूल सेक्शन है कूल सेक्शन का अंदर ये जो पिन है, तो दोस्तों ये चॉपर का सेकेंडरी साइड मतलब आउटपुट पिन है। तो देखने वाला एक बात है कि देखिए मीटर को मैं कॉन्टिन्यू मोड पर रखा है और देखिए बाजर बज रहा है, और ये नेगेटिव पर को नेगेटिव पर मैं टच किया और चॉपर का सभी पिन को मैं चेक करके दिखाता हूँ कि देखिए बाजर बज रहा है। एक नंबर पिन देखिए चॉपर का जो सभी पिन, तो दोस्तों ये पिन ओपन है, उसके बाद ये पिन देखिए बाजार बाज रहा है, उसके बाद चलिए ये पिन देखिए बाजार बाज रहा है, और उसके बाद चलिए ये पिन भी बाजार बाज रहा है, और चलिए ये पिन बाजार बाज रहा है, मतलब इसका नेगेटिव का साथ ये सभी पिन का कनेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, ये चॉपर खराब है क्या? तो दोस्तों ये चॉपर खराब नहीं है, क्योंकि इसका अंदर जो इंटरनल कॉयल है नेगेटिव का साथ भी वो कॉयल कनेक्शन है, इसलिए ये नेगेटिव का साथ सभी पिन शॉर्ट ये देखा जाता है। दोस्तों इसीलिए जब ये पावर सेक्शन काम करेगा ऑसिलेशन शुरू होगा, ऑसिलेशन का बाद मैग्नेटिंग का बजाय इसका सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज आता है, जब सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज मिलेगा तो ये जो अलग अलग पिन है इसका अंदर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। बट दोस्तों ये लाइन का अंदर जो सप्लाई लाइन का अंदर एक एक डायोड देखा जाता है, ये 110 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज मिलता है, ये 30 वोल्ट का आसपास जो रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई जो वर्टिकल सप्लाई होता है यहाँ पर वोल्टेज मिलता है, और ये रेगुलेटर सेक्शन 11 वोल्ट का आसपास यहाँ पर सप्लाई मिलता है, साउंड सप्लाई का लाइन जो डायोड है यहाँ पर वोल्टेज देखा जाता है। हो सकता है कुछ भी रीजन से पीसीबी फॉल्ट हो गया, और पता करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है जो आपको बहुत वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली दिखाया कि इसका सबका आउटपुट वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा, कुछ भी लाइन का अंदर वोल्टेज ड्रॉप है तो आपको वो सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। मान लो 110 वोल्ट आउटपुट नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा कि ESD सप्लाई जो है ये सप्लाई लाइन का अंदर जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस को ओपन करने का बाद आप देखिए कि इसका अलग अलग वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। मान लो रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद इसका अलग अलग सब कुछ वोल्टेज बन रहा है, तो इसका मतलब ESD जो सप्लाई लाइन है इसका जो आउटपुट सेक्शन है इसका अंदर कुछ फॉल्ट है, हो सकता है ESD फॉल्ट है, हो सकता है ये लाइन का अंदर बीच में कैपेसिटर ग्राउंड का शॉर्ट है, हो सकता है ये सप्लाई जो आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाता है ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, हो सकता है ये सप्लाई लाइन का अंदर नेगेटिव का साथ जो PF रहता है ये शॉर्ट है, इसी तरह बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मान लो ESD सप्लाई ओपन करने के बाद भी तब भी इसका अंदर वोल्टेज नहीं बन रहा है तो क्या देखना पड़ेगा, तो दोस्तों फर्स्ट कन्फर्म होना चाहिए कि ये पावर सेक्शन ये रेगुलेशन ऑसिलेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये चेक करने का जो तरीका है मैं बहुत वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली देखा है, तब भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेन फिल्टर कैपेसिटर पर जो सप्लाई आता है ये चॉपर के अंदर भी आता है, और चॉपर से इसका अंदर इंटरनल एक कॉयल है जिस कॉयल से वोल्टेज ये आउटपुट होता है, ठीक है। तो जब ये पावर सेक्शन काम करेगा तो इसका अंदर वोल्टेज बहुत हाई मिलेगा, ठीक है, और इनपुट पर जितना वोल्ट मिलेगा सेम वोल्ट ये पिन पर मिलेगा, तो मतलब ये ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। इसी तरह बहुत सिम्टम दिखा जाता है, बट अलग अलग मीटर होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट सिम्टम मिलता है। तो चलिए मेन टॉपिक पर मैं ले चलता हूँ आपको। देखिए
बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, बट आपको दोनों मीटर लेके इसका डिफरेंट आपको दिखाऊंगा। देखिए मीटर को मैं क्वांटिटी पर सिलेक्ट किया, तो दोस्तों ये मास्टेक कंपनी का मीटर है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वालिटी वाला मीटर है। देखिए इसका क्वांटिटी मुठ पर है, बाजार बाज रहा है, ठीक है। देखिए ये अलग अलग सेक्शन, कुछ भी सेक्शन शॉर्ट है कि नहीं है आप कैसे पता कर सकते हो। देखिए ये नेगेटिव का जो कॉर्ड है, ये नेगेटिव पर आपको रखना पड़ेगा, और ये जो सप्लाई लाइन के अंदर जो डायोड का पॉजिटिव साइड है, ये 110 वोल्ट का, यहाँ पर चेक करके देखिए कितना ओम्स है, 1000 का ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसी तरह ये नेगेटिव पर रखने के बाद अलग अलग डायोड का पॉजिटिव पिन पर चेक करेगा, तो देखिए ये भी बहुत हाई रीडिंग दे रहा है। देखिए अब मीटर पर फॉलो कीजिए, बहुत हाई रीडिंग दे रहा है, मतलब शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, कुछ भी ओम्स नहीं शो हो रहा है। थोड़ा ओम्स आने के बाद ये बहुत हाई पर चला जाता है, ठीक है। इसी तरह इसका सेम टाइम है, मतलब इसका आउटपुट सेक्शन कुछ भी शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों ये न्यू पीसीबी है, न्यू पीसीबी लेके आपको दिखाता हूँ। चलिए मीटर कॉर्ड को घुमाने के बाद, तो दोस्तों यही सबसे बड़ा सिम्टम देखिए ये मीटर का अंदर। देखिए मान लो ये 110 वोल्ट लाइन का डायोड का पॉजिटिव साइड है, देखिए कितना रीडिंग आ रहा है, 470 ओम्स का आसपास, ठीक है। तो अब अच्छा करके देखिए 470 ओम्स का आसपास, इसका मतलब तो ये मीटर का अंदर इतना ही रीडिंग देगा। तो इसी से नीचे ओम्स आएगा तो इसका मतलब ये सेक्शन शॉर्ट हो सकता है, ये जो आउटपुट लाइन कुछ भी पोजिशन शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए वर्टिकल सप्लाई जो है, ये लाइन के अंदर जो डायोड का पॉजिटिव है, देखिए ये 500 का ऊपर रीडिंग आ रहा है। तो इसी से नीचे चला जाएगा तो, ठीक है, तो ये सेक्शन शॉर्ट हो सकता है। ये सेक्शन शॉर्ट मतलब इसका आउटपुट जितना साइड पर ये लाइन चला गया, ठीक है, हो सकता है ये वर्टिकल आईसी का साथ कनेक्शन है, वर्टिकल आईसी शॉर्ट हो सकता है, इसका अंदर कैपेसिटर है, कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। और दोस्तों ये पिन तो नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, तो ये डायोड खुद भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह सभी पिन जो है ये रेगुलेटर का, देखिए सभी, देखिए ये सब 500 ओम्स का ऊपर ये सब रीडिंग आ रहा है, बट ये जो पिन है 400 का आसपास, मतलब 400 ओम्स का नीचे कुछ भी रीडिंग मिलेगा तो आपको टारगेट लगाना पड़ेगा, वोल्टेज नहीं बनेगा, सेट ऑन नहीं हो रहा, इस तरह कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आपको वही सेक्शन चेक करना पड़ेगा। जिस तरह मैं आपको बताया कि मान लो ये जो रेगुलेटर सेक्शन पर वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, और आप ज़रूर इस तरह चेक करने के बाद पता चलेगा कि इसका रीडिंग 400 ओम्स का नीचे हो गया, तो मतलब ये लाइन का फॉल्ट है। क्या फॉल्ट हो सकता है, डायोड हो सकता है, ये लाइन का अंदर कैपेसिटर हो सकता है, और ये लाइन जो रेगुलेटर सेक्शन पर जा रहा है कुछ भी ट्रांजिस्टर फॉल्ट हो सकता है, डायोड फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह तो ये मीटर का मीटर लेके आपको इसका इसका रीडिंग जो ओम्स आपको देखा है बाजार मोड पर रख के, ठीक है। बट ये जो मीटर है, इस तरह मीटर जिसका पास है, तो दोस्तों ये UNIT, ठीक है, ये कंपनी का ये मल्टीमीटर है। तो ये मैं बाजार रेंज पर सिलेक्ट किया, आप देखिए बाजार रेंज पर मैं सिलेक्ट किया मीटर को, देखिए बाजार बाज रहा है, और ये नेगेटिव को मैं यहाँ पर रखने के बाद इसका रीडिंग देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, देखिए कुछ भी रीडिंग यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, इस तरह ये हो रहा है। और ये कॉर्ड को घुमाने के बाद ये जो रीडिंग देखिए, ये भी कुछ भी मीटर पर रीडिंग नहीं आ रहा है, कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है, कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है, ये सब सभी पिन को आपको दिखाता हूँ, कुछ भी रीडिंग देखिए नहीं आ रहा है। बट दोस्तों कंटिन्यू जब बाजार बाजेगा तो 100% तो ये लाइन शॉर्ट है, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस आपको मीटर के अंदर दिखाया, बट ये जो ओम्स आपको ये मीटर के अंदर दिखाया ओम्स, चलिए मैं 2000 जो ओम्स है, ठीक है, मतलब 2K ये जो ओम्स है, ये ओम्स पर आगने के बाद आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ मीटर कॉर्ड को, रेड कॉर्ड को नेगेटिव पर मैं कनेक्शन किया, और ये 110 वोल्ट डायोड का लाइन पर देखिए इस तरह रीडिंग आ रहा है। अब अच्छा करके देखिए बहुत हाई रीडिंग यहाँ पर आ रहा है, जो वो मीटर का अंदर आपको बताया 400 ओम्स का नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर ओम्स देखिए बहुत हाई। और चलिए दूसरा पिन आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए
इतना हाई कि ये मीटर का अंदर नहीं शो हो रहा है, ठीक है, मतलब 2K रेंज पर शो नहीं हो रहा है, जो 2000 जो रेंज है। देखिए अलग अलग पिन, देखिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये दोनों मीटर लेके इसका डिफरेंस आपको बताया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम के ऊपर आप लॉन्ग डिस्कस कराना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसका अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन होने का पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कराना पड़ेगा व्हाट्सएप जैसा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल आज करने के लिए।